मैडम उर्मिला अग्रवाल जी, प्रोफेसर टी आर कुंडू जो हमारे अध्ययन संस्थान के अध्यक्ष हैं, प्रोफेसर आई एस गुरजी और साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सबका आज के इस ग्रेवाल मेमोरियल व्याख्यान में स्वागत करता हूं कि आप सब आए और जिस तरह से पहले ग्रेवाल संस्थान को, इसकी गतिविधियों को आपका स्नेह सहयोग मिलता रहा है, आगे भी जारी रहेगा वो तो। और जब डॉक्टर ग्रेवाल, उनके बारे में हम सब जानते हैं, कुछ ऐसे लोग भी जुड़ रहे हैं, डॉक्टर ग्रेवाल के जो विचार थे, जैसा वो समाज में आदर्शों को स्थापित करना चाहते थे, जिस तरह की साहित्यिक धाराओं को आगे बढ़ाना चाहते थे, उसमें नए साथी भी जुड़ रहे हैं, तो शायद वो डॉक्टर ग्रेवाल से आमने सामने नहीं मिले, लेकिन इन व्याख्यानों के माध्यम से और उनके काम के माध्यम से उनसे वो निरंतर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ग्रेवाल यहाँ अंग्रेज़ी में प्रोफेसर थे, हम सब लोग जानते हैं, और हिंदी के बहुत बड़े समीक्षक और आलोचक थे। हरियाणा के समाज में उसको प्रगतिशील बनाने में उनका एक नेतृत्वकारी भूमिका में वो रहे। बहुत लंबे समय तक यहाँ पे काम किया और वो एक छोटे से गांव से उठ करके आए थे, भिवानी में बामला गांव पड़ता है, और दिल्ली और फिर अमेरिका और कहाँ कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया, और उस पूरी ज्ञान की परंपरा को आत्मसात करते हुए अपने ही समाज में उसको चिन्हित करते हुए कि कहाँ किस बात की ज़रूरत है, शिक्षाविदों में, शिक्षा संस्थानों में, लेखकों में, कार्यकर्ताओं में, छोटी छोटी जगहों पे जहाँ अनपढ़ता है, अनपढ़ता को दूर करने के लिए जो पढ़े लिखे हैं और जिनको विचारशीलता की ज़रूरत है, उनमें विचार पनपाने के लिए, और जो लेखक हैं उनको एक खास एक दिशा देने के लिए, सब तरह से वो सबको उपलब्ध होते थे। और उनकी जो बौद्धिक क्षमता है और जो व्यवहार है, उससे हम सब लोग लाभान्वित हुए हैं समय समय पर, कि किस तरह से वो हिम्मत और हौसला अफजाई करते थे हमारे सबकी, और कैसे वो अपने विचारों के माध्यम से हम सबको एक चीज़ें बताते रहते थे, और अपने आप ही वो चीज़ें हमारे ज्ञान में शामिल होती चली जाती थी। तो एक जन बुद्धिजीवी की तरह, एक जैविक तरह से वो खुद उत्पन्न हुए एक बुद्धिजीवी के तौर पे, और अपने समाज को वैसा बनाने के लिए पूरी ज़िंदगी वो कार्य करते रहे, और उसी का ये नतीजा था कि उससे प्रेरित होकर के उनकी याद में ये एक संस्थान बनाया। अब ये एक संस्थान कोई इतना बड़ा संस्थान तो नहीं है कि जो पूरे समाज को अपने साथ समेटने में सक्षम हुआ हो, लेकिन जो बौद्धिक बहस हैं, जो विषय हैं, जो समसामयिक मुद्दे हैं, और जो साहित्य की विभिन्न धाराएं हैं, उन सब में इसका एक अपना हस्तक्षेप है, हरियाणा के स्तर पे और देश के स्तर पे भी। समय समय पर इस संस्थान के अंदर गोष्ठियाँ, विचार विमर्श होते रहते हैं, सब लोग उनसे परिचित हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये हमारा जो एक लेक्चर ग्रेवाल मेमोरियल साल में हम एक बार करते हैं, इस बार हम लेट हैं क्योंकि हरियाणा में दो चुनाव लगातार हुए, और वो कुछ इस तरह का शोर शराबा होता है, आप सब लोग जानते हैं उसके बारे में, तो थोड़ा सा लेट हम ये कर रहे हैं। इस व्याख्यानमाला में प्रोफेसर शिव कुमार मिश्र, जो हिंदी के बहुत बड़े आलोचक समीक्षक रहे, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के साहित्य को मूल्यांकित किया, उन्होंने प्रथम लेक्चर यहाँ पे दिया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर। प्रोफेसर रणधीर सिंह, उन्होंने भी यहाँ पे डॉक्टर ग्रेवाल मेमोरियल व्याख्यान दिया। प्रोफेसर नामवर सिंह, प्रोफेसर बद्री रैना, सुभाष गाताड़े, देवेंद्र शर्मा जो कृषि वैज्ञानिक हैं, और प्रोफेसर कृष्ण कुमार, इस तरह से बहुत सारे व्याख्यान अलग अलग विषयों के ऊपर, जो जिस समय पर जो विषय ज़्यादा चर्चा में रहा उस पर व्याख्यान होते रहे, और अपने समय के एक विद्वान विशेषज्ञ उसमें आकर के हमारा मार्गदर्शन करते रहे। इसके अलावा भी बहुत सारी गतिविधियां संस्थान के माध्यम से निरंतर होती रही। एक जो मुख्य गतिविधि जिसकी तरफ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा,
1857 का 150वां साल, 3 दिन का जो एक पूरा बड़ा मेला जिसमें नाटक, कवि सम्मेलन, एग्जीबिशंस, बहुत तरह का वो अपने आप में एक व्यापक वो था, और उसके साथ साथ जो अन्य छोटी छोटी गतिविधियाँ, साहित्यिक गोष्ठियाँ और ये सब होती रही हैं, और इसमें प्रभास जोशी, राम बहादुर राय, प्रदीप सक्सेना, जगमोहन, प्रोफेसर सूरज भान और कितने ही नाम हैं जो इस संस्थान की गतिविधियों में शामिल होते रहे हैं। तो इन सारी गतिविधियों के साथ ही हम इसी छोटी सी जो हमारी एक पूंजी है ये, इसके साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, और छोटी छोटी पुस्तिकाएं भी हमने 2-3 छप प्रकाशित की अग्रवाल संस्थान की तरफ से, साहित्य के और शिक्षा के सवालों पे, और हरियाणा के जो 1857 में योगदान था उसके ऊपर, और अभी निकट में ही आप जो अग्रवाल साहब का जो खुद का लेखन है, समग्र जो लेखन है जो उन्होंने लिखा, वो भी आप एक तरह से प्रिंट फॉर्म में आप देखेंगे, और पिछले व्याख्यान में हमने एक उसको वेबसाइट के ऊपर सारे उनके आर्टिकल प्रकाशित कर दिए थे, बहुत सारे लोग उनको देख रहे हैं समय जहाँ जहाँ जिस जिसको ज़रूरत होती है।